मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और क्रूज ड्रग्स मामले के जांच अधिकारी समीर वानखड़े अब खुद जांच के फेरे में आ गए हैं। मुंबई पुलिस ने वानखड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक एसीपी दर्जे के अधिकारी मिलिंद खेतले को नियुक्त किया है। अब तक वानखड़े के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आई है उनको क्लब करके मामले की जांच की जाने वाली है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, सिर्फ लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। समीर वानखड़े के खिलाफ अब तक मुंबई के 4 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है, जिसमें से एक शिकायत विटनेस प्रभाकर सेल ने एफिडेविट द्वारा की है। प्रभाकर ने समीर वानखड़े पर क्रूज ड्रग्स मामले में करोड़ों के उगाही के आरोप लगाए थे। इस मामले में सहार पुलिस स्टेशन में प्रभाकर का बयान भी दर्ज किया गया है, तो वही एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में वकील सुधा द्विवेदी ने समीर वानखड़े और किरण गोसावी समेत 4 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इस बीच वानखड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के विजिलेंस विभाग की 5 सदस्यीय टीम 27 अक्टूबर को मुंबई पहुंची है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी मामले में एक गवाह द्वारा वानखड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए जाने के बाद एजेंसी ने सतर्कता जांच के आदेश दिए थे। अब फिर एक बार एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक ने वानखड़े पर नए आरोप लगाए हैं। मलिक का कहना है कि उस रात क्रूज पर मौजूद एक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया और हथियारों से लैस उसकी एक माशुका को जानबूझकर छोड़ा गया और इसके अलावा कुछ हाई प्रोफाइल चुनिंदा लोगों को टारगेट किया गया। साथ ही मलिक ने वानखड़े के पहले शादी का निकाहनामा ट्वीट कर फिर एक फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। मलिक का कहना है कि समीर वानखड़े ने आरक्षण का गलत इस्तेमाल कर IRS का पद हासिल किया है। मलिक ने चुनौती दी है कि अगर उनके आरोप गलत साबित कर पाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि वानखड़े परिवार की तरफ से इन सभी आरोपों का खंडन किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मीडिया के नज़र में हीरो बने रहे समीर वानखड़े की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है।